ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है ना भाई, ये जितना कम हो रुक के वाइब्रेट या फिर बहुत तेज आवाज़ करने लग जाती है। देखना अगर भाई आपकी बाइक अभी भी 90-100 तक जा रही है बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मतलब आपकी बाइक के क्लच। हेलो भाई, मैं हूँ अजय और आज भाई हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे जानें कि आपकी क्लच प्लेट ख़त्म होने वाली है या फिर घिसने वाली है। इन सब चीज़ों में भाई हम कुछ पॉइंट बताएंगे जिनमें भाई आप ट्राई करके देखना, अगर इनमें से कुछ पॉइंट आपको लगता है कि आपकी बाइक के साथ मैच होते हैं तो मतलब समझ जाना कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट ख़त्म होने वाली है। और भाई ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप बिना मैकेनिक के पास जाए हुए आप घर पे ही चेक कर सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट ख़त्म होने वाली है। तो भाई मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये वीडियो से पहले मैंने अपने दोस्त से बात की थी जो कि एक मैकेनिक ही है, उनका खुद का गैराज है, तो वो मैकेनिक ही है, तो उनसे ही मैंने ये सब चीज़ें कन्फर्म की हैं। तो भाई जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये समझना कि एक मैकेनिक ही आपको बता रहा है, क्योंकि मैंने भाई उनसे ही कन्फर्म की हैं ये चीज़ें। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो हमारे इसमें आता है वो है भाई आपका ये क्लच, ठीक है भाई। क्योंकि क्लच इसलिए भाई कि क्लच प्लेट से कनेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और इसमें हम क्या पता कर सकते हैं, आप अगर आपका क्लच बिल्कुल स्मूथली रनिंग कर रहा है ना भाई, तो आप समझ जाना कि आपकी क्लच प्लेट अभी सलामत है। बट अगर वो स्मूथ नहीं चल रहा है, जैसे हमारी ये ब्रेक होती है ये भाई बिल्कुल स्मूथ चलती है ना ऐसे, अगर आपका क्लच बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रहा है, अटक रहा है, मतलब मान लो ये तो अभी स्मूथ चल रहा है, बट कईयों का होता है जब क्लच छोड़ते हैं तो इतने में अटक जाता है, उसके बाद आपको हाथ से आगे करना पड़ता है। तो अगर भाई आपकी बाइक में भी ये दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि क्लच प्लेट फूकने वाली है या फिर घिसनी शुरू हो गई है, ठीक है भाई। दूसरा रीज़न होता है भाई पिकअप। पिकअप भाई सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आपकी बाइक जैसे आपकी डे वन में थी बाइक, अगर वैसा पिकअप नहीं दिखा पा रही है, एकदम से नहीं चल रही है, तो समझ जाना भाई आपकी क्लच प्लेट जलनी शुरू हो गई है या फिर घिसनी शुरू हो गई है। क्योंकि भाई क्लच प्लेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है जब आप पिकअप निकालते हो बाइक से, ठीक है। तो भाई अगर आप बाइक इंस्टेंट चला रहे हो और एकदम से आपको वो पिकअप नहीं मिल रहा भाई जो स्टार्टिंग डेज में आपको मिल रहा था, तो समझ जाना भाई कि आपकी बाइक में क्लच प्लेट्स की दिक्कत आने वाली है या फिर दिक्कत चल रही है जो बहुत ही माइनर है, अभी आपको पता नहीं है। तीसरा पॉइंट भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी नोटिस कर सकते हो, वो है भाई ये स्पीड लिमिट वाली। अगर आपकी बाइक भाई मान लो स्टार्टिंग में जब आपने ली थी तब आपकी बाइक आपकी 100 की स्पीड में चलती थी, ठीक है। बट अब आप भगा के देखना, अगर भाई आपकी बाइक अभी भी 90-100 तक जा रही है बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मतलब आपकी बाइक के क्लच प्लेट बिल्कुल सेफ है। और अगर आपकी बाइक 100 तक नहीं पहुंच पा रही है, 60-70 में जाके ही रुक जाती है या फिर वाइब्रेट करने लगती है, बहुत तेज आवाज़ करने लगती है, तो समझ जाना भाई आपकी क्लच प्लेट का काम हो चुका है, ठीक है। ये भाई रीज़न है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। ये मेरे साथ भी होता है भाई, जब भी मैं अपनी बाइक को 60 या 70 के बीच में मेरी मतलब ये बाइक की सुई आती है ना, उसके बाद ना मेरी बाइक बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है। ये रीज़न है भाई आपका तीसरा। और भाई जो चौथा रीज़न है जिससे आप जान सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट सलामत है या नहीं है, वो है भाई ये क्लच लीवर, मतलब क्लच लीवर की जो तार है, क्लच तार, ये भाई ऊपर से क्लच से होते हुए आती है। तो भाई आप इसमें क्या जान सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट सलामत है, भाई ये जो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है ना भाई, ये जितना कम होता रहेगा इसका मतलब आपकी क्लच प्लेट उतनी ज़्यादा ख़त्म होती जाएगी। जितना भाई इस चीज़ में गैप रहेगा ना, आपकी क्लच प्लेट मतलब उतने टाइम के लिए भी सलामत है। भाई देखो मेरा भी बहुत कम हो गया है, मैंने आपको बताया ना मेरी 60-70 की स्पीड में बाइक अटकने अब शुरू हो गई है, तो भाई यही रीज़न है उसका, क्योंकि भाई क्लच प्लेट मेरी भी अब धीरे धीरे घिसने लग गई है, मेरी अभी इंस्टेंट नहीं घिसी है पर धीरे धीरे अब मेरी भी घिसने लग गई है, तो मेरी ये चीज़ भी कम होने लग गई है। और जिन भाइयों की ये चीज़ भाई इससे भी ज़्यादा कम में है ना, मतलब इन चीज़ में गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत कम है, तो भाई समझ जाना आपकी क्लच प्लेट घिसने वाली है। और जिन भाइयों की ये ओके है भाई अभी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इजीली चला सकते हो। और भाई उससे बड़ा रीज़न आता है कि अब हम कैसे पता करें, अगर हमें इसमें भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई जब आप अपनी बाइक को किक से स्टार्ट करते हो, अगर आपकी बाइक में सेल्फ है तो अच्छी बात है, बट अगर आपकी बाइक में किक भी है तो एक बार आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपकी बाइक पहले ही किक में स्टार्ट हो रही है ना भाई, तो इसका मतलब है कि आपकी क्लच प्लेट्स अभी सलामत है।
बट अगर भाई आपकी बाइक पहले किक में स्टार्ट नहीं हो रही है, दूसरी या तीसरी किक उसको अगर लगती है स्टार्ट होने के लिए, तो समझ जाना भाई आपकी क्लच प्लेट घिसने लग गई है या फिर घिसने वाली है। इन दो में से भाई कोई भी रीज़न हो सकता है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा घिस जाती है ना, तो आपकी किक भी काम करना बंद कर सकती है भाई। ये बात ध्यान रखना, आपकी किक काम करना बंद कर सकती है। अभी तो दो तीन किक में ये चल रही है, बट जब ज़्यादा ही डैमेज हो जाएगा ना, तो भाई ये फ्री हो जाती है बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक नॉर्मल जाती है। जैसे हम ऐसे मान लो, अभी ये है भाई, ये मैंने क्लच दबाया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, किक मैं लगाऊंगा ना, ये देखो फ्री है भाई, देखो इसको बोलते हैं किक फ्री होना। ये रीज़न है भाई, एक सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है, जब आपकी क्लच प्लेट ख़त्म हो जाएंगी ना, तो आपकी किक फ्री हो जाएगी, फिर आप उसको स्टार्ट करने लायक नहीं रहोगे। और भाई उसके अगला रीज़न है ये भाई, आपका दिख रहा आपको, एक सेकेंड, ये जो प्लग है भाई, ये आपको दिख रहा होगा। अगला रीज़न भाई यही है, प्लग, जब आपका प्लग बार बार शॉर्ट होने लग जाए या फिर ख़राब होने लग जाए, तो समझ जाना भाई आपकी क्लच प्लेट में दिक्कत है, या फिर ये बहुत बार आपको दिक्कत देने लग जाए। जब आप बहुत बार इसको चेंज कर रहे हो, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी बाइक का क्लच प्लेट जा चुकी है भाई। तो भाई मोस्टली ध्यान रखना, अगर आप में से कोई भी भाई है जो देख रहे हैं कि जिनका बार बार प्लग उड़ने पर लगा हुआ है, तो भाई आपकी बाइक में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी क्लच प्लेट ख़त्म होने वाली है या फिर ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से बार बार आपका प्लग उड़ रहा है। बड़ी चीज़ है कि मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि इसका राज क्या होता है, तो भाई उसने ये चीज़ की फ़ोटो दी मुझे, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होगी। तो भाई ये चीज़ बोलता है, इसके अंदर क्लच प्लेट्स लगती हैं, और जब क्लच प्लेट्स ख़त्म होती हैं, तो वो इस चीज़ को भी ख़त्म कर देता है। तो भाई इसका नाम उसने कुछ क्लच असेंबली ही इस टाइप का ही बोला था भाई, आई एम नॉट श्योर, बट भाई इस चीज़ को भी वो ख़राब करने लग जाता है। जब आपकी क्लच प्लेट घिसने लग जाएगी, तो वो इस चीज़ को भी काटना शुरू कर देगी, तो भाई जो आपके इंजन के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो भाई बी केयरफुल, टाइम से अपनी क्लच प्लेट्स को बदलवा लेना। और भाई प्लग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपको कुछ जानना है कि मतलब कैसे पता कर सकते हो, तो इससे भी ज़्यादा इजीली तरीका है जो तो भाई एक ये तरीका भी है जिससे आप जान सकते हो कि आपकी क्लच प्लेट सलामत है या फिर ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है भाई। और ये भाई मैटर नहीं करता कि ये मेरी बाइक में चलेगा या किसी भी, ये किसी भी बाइक में चल सकता है भाई, फिर चाहे आपके पास बजाज की बाइक है, फिर हीरो की बाइक है, या फिर आप रॉयल इनफील्ड को ऑन कर रहे हो, या फिर एक्स वाई जेड भाई कोई भी बाइक है, ये किसी भी मॉडल में सब में चल सकता है। तो भाई हमने करना क्या है, हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, जैसे आपने देखा। इसके बाद भाई मैंने भाई बाइक को स्टार्ट किया, इसके बाद भाई हमने क्लच दबाना है, और भाई हमने तीसरे गियर में अपनी बाइक को लेके आना है। क्या करना है भाई, हमने तीसरे गियर में अपनी बाइक को लेके आना है। हमने डाला एक, दो गियर, तीसरा गियर, भाई तीन गियर हमारी बाइक में डल चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। हाँ भाई, ब्रेक लगानी है, मैंने हाथ पांव दोनों साइड से ब्रेक लगा दी। अब हम अपनी जो एक्सलेटर है ना भाई, इसको पूरा घुमा देंगे जितना ये घूम सकता है। उसके बाद हम अपने क्लच को रिलीज़ कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं अपनी बाइक को चलाते टाइम। अगर मेरी बाइक स्टार्ट रही पूरा क्लच छोड़ने के बावजूद, तो मतलब भाई मेरी क्लच प्लेट फूक चुकी है। और अगर भाई मेरी क्लच प्लेट फूकी नहीं होंगी, तो मेरी बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है भाई। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मैंने पूरा क्लच छोड़ा और मेरी बाइक क्लच छोड़ने के बाद भी स्टार्ट रही, तो मतलब मेरी क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर मेरी बाइक क्लच छोड़ने के इमिडिएटली बंद हो गई, तो मतलब मेरी अभी क्लच प्लेट बची हुई हैं, ठीक है भाई। तो करते हैं रेस को भाई, पूरा देना, ब्रेक दबा के रखना। देखो बंद, मतलब समझ रहे हो भाई, अभी मेरी क्लच प्लेट पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, तीसरे गियर में हमारी बाइक है, दोनों ब्रेक अप्लाई किए हमने ऊपर नीचे की, पूरी रेस देख के हम क्लच को छोड़ेंगे। अगर हमारी बाइक बंद दोबारा होगी, तो मतलब हम श्योर हैं कि हमारी क्लच प्लेट अभी सलामत है। देखा भाई, हमारी क्लच प्लेट अभी सलामत है, तो अभी ये कुछ टाइम तक और चल सकती है। बट भाई जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को स्पीड वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है।
तो भाई मुझे तो बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको बताया, मेरी ये स्पीड वाली, जिसका मतलब है कि मेरी क्लच प्लेट अभी हाल ही में जलना शुरू हुआ है या फिर घिसनी शुरू हुई है, तो मतलब अभी ये काफ़ी लंबा टाइम सर्वाइव कर लेगी। बट भाई जैसे मुझे कुछ और दिक्कत आनी शुरू होती है मैं इमिडिएटली इसको चेंज करवा लूँगा, क्योंकि भाई दिक्कत आ सकती है, ये इंजन में कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है जो मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक में हो। तो भाई आप भी ध्यान रखना, अगर आपकी बाइक में इन दो तीन पॉइंट पे काम होने लग गए हैं तो आप मेक श्योर एक बार मैकेनिक को दिखा के चेक करवा लेना। अगर आपकी वो बोलेगा कि आपकी क्लच प्लेट अभी चल सकती है तो आप चलवाओ, अगर बोलता है कि बदलवा लो तो बदलवा लेना भाई। तो बस भाई वीडियो में इतना ही था कि हम कैसे अपने घर बैठे ही क्लच का पता लगा सकते हैं, मतलब क्लच प्लेट हमारी जल चुकी है या नहीं जली है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राहुल भाई हमेशा राइड के टाइम पे हेलमेट ज़रूर वेयर करना, क्योंकि भाई अगर आप सेफ रहोगे तभी आप आगे राइड कर पाओगे। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना, टेक केयर।